ओम साई राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर भारतीय वायुसेना के विमान से शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैंस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, रेवेन्यू मिनिस्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल, शिरडी के सांसद सदाशिव लोखंडे, अहमदनगर लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर सुखाय विखे पाटिल, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, पुलिस महानिरीक्षक बी जी शेखर पाटिल और शिरडी ग्रामस्थ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाधि मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन किए, समाधि पर चादर चढ़ाई व आरती की। नरेंद्र मोदी ने द्वारका माई में भी दर्शन किए। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैंस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, रेवेन्यू मिनिस्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले भी उपस्थित थे। दर्शन पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 110 करोड़ रुपए की कीमत से बने न्यू दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस इमारत का भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा के महाशताब्दी वर्ष अक्टूबर 2018 में किया था। शिरडी ग्रामवासियों ने पंत प्रधान नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस अवसर पर शिरडी साई बाबा संस्थान के पूर्व ट्रस्टी सचिन तांबे, शिरडी शिवसेना जिला प्रमुख कमलाकर पोते, अनेक ग्रामस्थ ने भी उनका अभिवादन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए करीब 7,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अयूब पठान, साईलीला टाइम्स, शिरडी। कृपया साईलीला टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम साई राम।